हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, जागरूक टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दर्शना गहतराज। आपने देश विदेश में कई अजीबोगरीब खतरनाक खेल सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही एक अजूबा है। आपने देश विदेश में कई अजीबोगरीब और खतरनाक खेल सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही एक अनोखी और अजूबी बात है, और एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखकर सांप भी अपना रुख बदल लेता है, लेकिन सांपों को पकड़ना उसका शौक बन गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिरोही जिले के वासा गांव में रहने वाले दिलीप चौहान की, जिसका जहरीले सांपों को पकड़कर उनके साथ खेलना उसका शौक बन गया है। कोबरा सांप का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन दीपक का तो इन कोबरा सांपों के साथ खेलने में ही पूरा दिन चला जाता है। कुछ ऐसा ही जागरूक टीवी के कैमरे में कैद हुआ। सिरोही जिले का नया सानवाड़ा में किसी घर में एक कोबरा घुस जाने पर हड़कंप मच गया। सांप को पकड़ने के लिए दिलीप चौहान को मौके पर बुलाया गया। सांप को बड़ी आसानी से पकड़ लिया गया। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। दिलीप ने वहां खड़े लोगों के मन से सांप का भय निकालने के लिए उसके साथ खेलने लगा। दिलीप चौहान करीबन 10 साल से सांप पकड़ रहा है। उन सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया जाता है। पहली बार कैमरे में आया सामने। हाँ, ये शख्स स्नेक कैचर है जो अपनी सेवा पूरे सिरोही जिले में देता आ रहा है। पूरे जिले में प्रसिद्ध है इस स्नेक कैचर के कारनामे। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने भी देखा इस शख्स का चेहरा। पहली बार जागरूक टीवी से उसने की बातचीत। उसने बताया कि वो FPARB एक संस्था में काम करता है और फ्री में जिले में अपनी सेवा देता है। सिरोही से भवानी सिंह ने की दिलीप चौहान से बातचीत। प्रदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।